22 इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अब तक की ताजा खबरों की तरफ। आम आदमी पार्टी की आज आवश्यक बैठक रामनगर रोड स्थित कार्यालय में हुई, जिसमें प्रमुखता से मांग उठाई गई थी कि इस समय COVID-19 कोरोना वायरस की महामारी जोरों पर है। इसको लेकर हमारे राज्य के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, जबकि होना यह चाहिए कि हॉस्पिटलों में ICU और वेंटिलेटर की सुविधा अति आवश्यक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई भी सुविधा अस्पतालों में नहीं दिखाई दे रही है, जिससे लोग मौत के मुंह में जाते दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी मयंक शर्मा ने कहा कि केंद्र की सरकार का भी कहना है कि अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली की तर्ज पर यहां पर भी आइसोलेशन वार्ड प्राइवेट हॉस्पिटलों को बनाएं, जिससे लोगों को वह सारी सुविधाएं मिल सके जिनकी उनको जरूरत है। यहां किसी भी प्रकार की ना तो सरकारी हॉस्पिटल में ICU की सुविधा है और ना ही वेंटिलेटर की सुविधा। प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत से काशीपुर की जिले की मांग काफी समय से चलती आ रही है, जिसको मुख्यमंत्री ने काशीपुर को छोटा कस्बा जिससे लोगों को काफी आहत है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी मयंक शर्मा का कहना है कि COVID-19 की महामारी लोगों से छुपी नहीं है, लेकिन इस ओर कोई भी शासन प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने 30 जुलाई को अनावरण किया था कि इसी दौरान काशीपुर के अस्पताल को CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जबकि यह अस्पताल उपजिला अस्पताल है, जिसे यहां पर लोगों की संवेदनाएं आहत की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की नीति रही है कि वह स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ नीति रखी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड की सरकार को चलना चाहिए, जिससे कोरोना काल में लोगों को सहूलियत मिल सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार COVID-19 के चलते पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। काशीपुर उत्तराखंड से News 22 इंडिया के लिए FU खान की रिपोर्ट। ये बड़ी हास्यास्पद बात है, और बल्कि मैं तो इसको हास्यास्पद मुख्यमंत्री की तरफ से जरूर बोलूंगा, लेकिन ये हमारे काशीपुर का एक बार फिर से नीचा दिखाना है। जैसे पहले भी मुख्यमंत्री महोदय काशीपुर को, जो जिले की मांग करने वाला काशीपुर है, उसको एक कस्बा बोल चुके हैं, फिर से इस बार एक बार फिर 30 जुलाई को जो उन्होंने अनावरण करा है, जिस जीर्णोद्धार के लिए CHC बोला गया है, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जबकि हमारे काशीपुर का जो सिविल हॉस्पिटल है वो उपजिला अस्पताल है, एक बार फिर से अंडरमाइन करने की कोशिश करिए, नीचा दिखाने की कोशिश करिए, और लोगों को दुखी पहुंचाकर, इसको जानबूझ के उनकी संवेदनाएं आहत कर मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ इसमें आनंद की अनुभूति जरूर करते होंगे। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री शायद काशीपुर के लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं कि 2022 में वो किधर जाएंगे। देखिए, हम इसमें विरोध यूं नहीं कर सकते, इस समय कोरोना पीरियड चल रहा है, हम नहीं चाहते सरकार के मुखर होके सामने हम सड़कों पर कोई आंदोलन करें, लेकिन यदि कोई ज़रूरत पड़ेगी और सरकार अगर इस ओर ध्यान नहीं देगी, अगर जनता चाहेगी, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। देखिए, हमारी सरकार की जो नीति रही है, खासकर से आम आदमी पार्टी की जो सरकार की नीति रही है, वो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर रही है। एक आम जनमानस तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचें और उसकी अप्रोच में हो, और बिना उसके किसी पैसे के खर्च करे बिना हो। यह एक मॉडल हो सकता है कि आप कॉरपोरेट को देके कुछ समय के लिए उसमें आप सुदृढ़ कर पाए, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से हमारे लिए प्रस्तावित करता है कि इंडिया इज अ सोशल वेलफेयर स्टेट, और यहाँ जो भी कोई योजनाएं होनी चाहिए वो सोशल वेलफेयर को लेने होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें सवाल का जो दूसरा पार्ट है, मैं उसको पहले बताऊंगा कि वाकई में, क्योंकि सरकार आज की तारीख में बिल्कुल जीरो हो चुकी है, फेल हो चुकी है, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मजबूरन वो कॉरपोरेट वर्ल्ड को इसमें इन्वॉल्व करती है। हाँ, जब कॉरपोरेट कोई आएगा तो उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, जबकि सरकार का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो वेलफेयर करना होता है, सामाजिक विस्तार करना होता है, समाज लोगों को देकर सरकार इस तरीके से, शायद मैं इस तरीके से नहीं देखता कि सरकार प्रॉफिट कमाना चाहती है। हाँ, ये आरोप जरूर लगते हैं कि किस तरीके से सरकार जो है बैकडोर से क्या भ्रष्टाचार होता है। महंगा तो नहीं कर पाएगा वो, तो क्योंकि सरकार को ही, सरकार के एक मॉडल में ही देगा, लेकिन फिर भी इसमें आरोप बार बार लगने के चांस रहते हैं कि कॉरपोरेट वर्ल्ड से सरकार हो सकता है कोई हित अपने साथी हो, पैसा कहीं ना कहीं से ले लेती हो, इसके बारे में अलग विषय है हालांकि, लेकिन कॉरपोरेट वर्ल्ड में स्वास्थ्य सुविधाओं का जाना अपने आप में राज्य के लिए अच्छा नहीं है। को उनकी पार्टी के लिए, उनकी सरकार के लिए 5-5 सांसद चुन के लिए सरकार
70 में से 57 विधायक लाकर भाजपा की हमारे प्रदेश में बनती है। ना सिर्फ इतना, कोरोना क्राइसिस से उबार आए अमित शाह जी के प्रयासों के द्वारा, तो ऐसा एक उत्तराखंड भी छोड़ दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं कि आए दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, सरकार से ये सवाल आप सभी के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि यह सौतेला व्यवहार उत्तराखंड में, इसके बाद भी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं साथ ही दूसरी तरफ अर्थतंत्र अर्थव्यवस्था दिन पे दिन का मुख्य देश जैसा आप जानते हैं कोरोना संकट को लेकर था, और उस कोरोना संकट में हमारे यहाँ पूरे उत्तराखंड में जिलेवार अभी तक जो वेंटिलेटर्स और आईसीयू की कमी है, हम चाहते हैं सरकार उस पर विशेष ध्यान दे। और जिस तरह की बार बार बोला जाता है कि दिल्ली की व्यवस्था को सुधारने में अमित शाह जी का बहुत बड़ा योगदान है, हम चाहते हैं वो उतना ही बड़ा योगदान हमारे उत्तराखंड प्रदेश में भी दें, और हमारे मुख्यमंत्री जी को आदेशित करें कि हर जिले में जो कोरोना में सबसे जरूरी चीज़ें हैं जैसे आईसीयू और वेंटिलेटर्स, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। देखिए, ये सब कुल मिला के जो भी कुछ है, ये अव्यवस्थाओं के कारण और खास तौर पर शासन और प्रशासन में आपस में जो सामंजस्य की कमी है, जो उसके कारण है। हमारे यहाँ व्यवस्थाएं जो चाहिए, जो एक सीरियस केस के लिए जो व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्थाएं हमारे प्रदेश के द्वारा नहीं दी जा रही हैं, जिसके कारण हम लोग ये मरीजों को मौत के मुँह में जाता हुआ देखते हैं। हम लोग बार बार ये कहते चले आए हैं कि दिल्ली का मॉडल, जब प्रधानमंत्री महोदय तक इस बात को कह चुके हैं कि दिल्ली का मॉडल सभी राज्यों को अपनाना चाहिए, उसके बावजूद भी यहाँ हिट एंड ट्रायल की पॉलिसी अपनाई जा रही है, और आइसोलेशन को नहीं यूज़ करा जा रहा है, होम आइसोलेशन को प्राइवेट अस्पतालों को नहीं यूज़ करा जा रहा है। उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, वो देने के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन सरकार न जाने क्यों, ये सरकार ही बता पाएगी, वो उन फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं करना चाहती। हम चाहते हैं कि अगर वो सरकार इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करे, इस मॉडल को यूज़ करे, तो हमारे यहाँ कोविड के ऊपर दिल्ली की तरह ही जीत सुनिश्चित की जा सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए News22 इंडिया, खबर भी असर भी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।